ओके सो हेलो एवरीवन, थोड़ा सा लेट हो गया। ओके सो हेलो एवरीवन, थोड़ा सा लेट हो गया मैं और थोड़ा सा सेटअप कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से क्लियर है, मैं विजिबल हो तो मुझे बता दो फटाफट से, मैं चेक कर लेता हूँ जब तक। ठीक है, अभी आपको मैं आर्डिनो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, कैसे हम क्लैप कंट्रोल रोबोट को कंट्रोल कर पाएंगे, पहले चेक कर लेता हूँ मैं कितने जने हैं यहाँ पे। ये मेरा वॉइस क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? ओके सो हेलो एवरीवन, थोड़ा सा लेट हो गया मैं ओके प्रीत, हेलो प्रीत, हेलो अमन, ओके सो यहाँ पे मैं लाइव हूँ। ठीक है, थोड़ी सा वेट कर लेते हैं जब तक स्टूडेंट आ जाते हैं, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी यूट्यूब पे से कनेक्टेड है। ठीक है, सो आज देखो, आज करने वाले हम क्लैप कंट्रोल रोबोट का काम, मतलब एक साउंड कंट्रोल रोबोट का यूज़ करेंगे, मतलब साउंड कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा आपको साथ में मैं। अब साउंड कंट्रोल मॉड्यूल होता क्या है, मतलब उसमें एक्चुअल में एक माइक लगा होता है, उस माइक के अंदर हम कैसे भी बोलते हैं, कोई भी आवाज़ हो या कोई धमधम की आवाज़ हो, नॉर्मल आवाज़ हो, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, हेलो नुकुंज, हेलो प्रीत, ग्रुप में मैसेज डाल दो, टेलीग्राम में सब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट का, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू सो मच बताने के लिए। पांच जने यहाँ पे लाइव है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्लैप कंट्रोल के बारे में, देखो दोबारा अच्छी बता रहा हूँ मैं, आर्डिनो को यूज़ करना आपको इतना सिंपल वे में सिखाना चाहता हूँ, कम से कम अब कोड थोड़ा बहुत यूज़ करके चालू कर दो करना। ठीक है, मेन रीज़न क्या होता है कि आप थोड़ा आर्डिनो लोगे, हल्का कोड अपलोड करोगे, मतलब एक बार कोड अपलोड किया नहीं चला दोबारा करो। मैंने इतने सारे सेशंस दिए हैं आपको, लाइव क्लासेस दिए हैं, वहाँ कोई ना कोई चलेगा, जिस दिन आपका वो चल गया ना, उसके बाद दूसरा तीसरा अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टास्क है वो भी मैं बिल्कुल एकदम स्टेप टू स्टेप कोड वाइज सिंपल सिंपल बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आपको आती है, प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। न्यू क्या है, कंट्रोल, क्लैप कंट्रोल सेंसर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फटाफट से। सो फर्स्ट मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सर जॉयस्टिक का बाय लिंक भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भेज दूंगा जॉयस्टिक वाले का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ समझते हैं अनअकैडमी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। ठीक है, तो एज ए फाइनल एग्जाम विद अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एट फ्लैट 10% ऑफ। देखो यहाँ पे आपको, अब एग्जाम में टॉप करना है तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए फटाफट से, और इसमें 10% ऑफ चल रहा है, ये बिल्कुल सिर्फ 28 फेब तक है। जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, अभी सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ की, तो अभी ले लें, 28 फेब से पहले 4 दिन ही बाकी है, इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बस मेरा रेफरल कोड साथ में ज़रूर आप यूज़ करना। ठीक है, सतीश YT10 करके हैं, मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा रेफरल कोड। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनको बता दूं मेरे बारे में, आई एम सतीश कुमार रावत, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं बेसिकली 5 to 6 years से प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता हूँ, बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह हैंडल करता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मैन्युफैक्चर भी कर देता हूँ, मैं खुद डिज़ाइन भी कर देता हूँ, सर्किट में पढ़ा भी लेता हूँ, तो मुझे ये पता है कि बच्चा बनाने से लेकर प्रेजेंट करने तक की क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस होती है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको, और उन्हीं एक्सपीरियंस से आपको भी एक्सपर्ट बना दूंगा, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो फटाफट से, ताकि इससे होगा क्या कि आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे लाइव क्लासेस को लेके। सर मेरा आर्डिनो पोर्ट नहीं आ रहा है गिरिराज। ठीक है, आपका जो आर्डिनो पोर्ट नहीं आ रहा उसका स्क्रीनशॉट लो आप, जो भी नीचे उस लाइन को दिखाओ रेड रेड में क्या लिखा आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको टेलीग्राम में हेल्प की जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजो डिटेल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आपस में हेल्प करेंगे, नहीं होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अनअकैडमी का जो नया फीचर आया है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, उसके बारे में बता देता हूँ, वो है अनअकैडमी आस्क डाउट। देखो यहाँ पे अनअकैडमी से आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, अपनी 9th 10th 11th 12th कोई सी क्लास में हो आप, 6th 7th 8th 9th 10th, कुछ भी डाउट पूछो उसका रिप्लाई मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें कितने एक्सेस मिलेंगे आपको, अनलिमिटेड डाउट्स पूछो आप सुबह से लेकर शाम तक, जो प्रॉब्लम है पूछो, आपको टॉप एजुकेटर्स की वीडियो मिलेंगे, वो भी हाई क्वालिटी में और हिंदी इंग्लिश जैसा आप चाहोगे। ठीक है, और एनी टाइम किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है, डाउट पूछने के लिए करना क्या करेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी डाउनलोड ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आस्क डाउट पर क्लिक करना, उस ऐप पर जाकर अपने आपको पहले रजिस्टर कर लेना। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, रजिस्टर करने के। इसके अलावा आस्क डाउट पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको पिक्चर क्लिक करना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप जैसे मान लो पिक्चर एक क्लिक किया क्वेश्चन का, ठीक है, जैसे आपने पिक्चर क्लिक किया क्वेश्चन का, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद ये बताना है कि किससे रिलेट करता है, मैथ से,
फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, देन उसके बाद आपको ओके कर देना, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी बहुत ही कंफर्ट वे में आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं इनके, ठीक है। इसके अलावा मेंटरशिप भी रहती है, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चलती है, लाइव से टेस्ट सीरीज होती है, बैच कोर्सेज होते हैं, इतनी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी के जो एवरी मंडे न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो भी नया आना चाहता है तो उसके लिए नया कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि पीछे क्लासेस निकल गई, न्यू बैचेस तो एवरी मंडे आते ही आते हैं, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो आप फटाफट से, ठीक है। इसके अलावा मैं अपना रेफरल कोड बता देता हूँ, सतीश YT10, SATISH YT10 का यूज़ करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ओके। सो यहाँ पे देखो 9th, 10th, 11th, 12th की सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, अनअकैडमी लेके आया आपके लिए दो टाइप के सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है आपको, बिल्कुल घर में बैठे बैठे आप हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो टॉप एजुकेटर के थ्रू। तो यहाँ पे 1 मंथ से लेकर 48 मंथ तक के प्लान दिए हुए हैं, ये आप ही के लिए है। आप अगर ट्रायल करना चाहते हो 3,000 रुपीज़ का प्लान लेके 1 मंथ का ट्रायल कीजिए, देन उसके बाद आपको लगता है मुझे कंटिन्यू करना तो 3 मंथ्स का ना लेके एक बार में ही ज़्यादा मंथ का लीजिए, 25,000 रुपीज़ पे करके, ताकि इसी कॉस्ट आपकी जो आएगी 1,042 रुपीज़ आएगी ओनली, ठीक है। इसके अलावा आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी है आपका। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पर्सनल आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाए, मतलब प्लस जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको आइकोनिक के अंदर, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है आइकोनिक के अंदर, एक्स्ट्रा ये कि पर्सनल मेंटर आपके ऊपर एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा एक तरह से, जिसमें और इसके अलावा लाइव आपके डाउट्स भी सॉल्व की जाएगी, वीकली रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पेरेंट्स से कनेक्टिविटी है, स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल बेनिफिट्स है इसके अंदर। सबसे बेस्ट पैकेज है इसमें, मिनिमम प्लान जो है 3 मंथ्स का 12,000 रुपीज़ है, ठीक है। और वो 12,000 रुपीज़ के अंदर आप ट्रायल करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद जब भी आप लें इनको, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर जो एक बार लेता है उसका सब्सक्रिप्शन फिर नेक्स्ट वो बड़ा ही लेता है, तो आप भी जब भी प्लान चूज करें तो बड़ा ही चूज करना, 2 साल का या फिर कम से कम 18 मंथ का, 15 मंथ का, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा, पर मंथ की कॉस्ट जो है वो कम आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेरा रेफरल कोड सतीश YT10 का यूज़ करोगे तब भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि 10% ऑफ अभी सिर्फ और सिर्फ 5 तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ सतीश YT10 का यूज़ करो और 10% ऑफ ले लो, ठीक है। अनअकैडमी के बहुत सारे स्कॉलरशिप प्लान्स भी होते हैं, वो है करोड़ के, जिसको अभी एवरी मंथ होते हैं, और इसके लिए भी आपको अपडेट्स चाहिए तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप यूज़ करना इस कोड को, जिसके कारण आपके सारे फीचर अनलॉक हो जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो अनअकैडमी ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ चेकआउट कर लो और इस रेफरल कोड को ध्यान रख लो ताकि इससे आपको बेनिफिट मिल सकें, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आपको कुछ फीचर बता देता हूँ अनअकैडमी ने स्पेशली कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत मज़ा आता है उनको करने में, सीखने में, ताकि वो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से एक पूरा डिज़ाइन किया गया है क्रिएटिव कॉर्नर। क्रिएटिव कॉर्नर है क्या, यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, जो उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है, तो वो चीज़ों को यहाँ पर अनाउंस किया जाता है, वो और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जैसे आपको मान लो किसी को स्टोरी टेलिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, किसी को मैजिक पसंद है, सिंगिंग पसंद है, गिटार पसंद है, वैदिक मैथ्स पसंद है, कोडिंग है, रोबोटिक्स पसंद है, मैं खुद भी रेगुलर रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप मुझसे वहाँ रेगुलरली जुड़ सकते हैं, रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। साथ में बता दूँ 1 मंथ का जो प्लान होता है 3,000 रुपीज़, 6 मंथ का प्लान जो है 10,000 रुपीज़, और 15 मंथ का प्लान जो है 18,000 रुपीज़ का है। इसमें आपको वन टाइम दे के सारी क्लासेस मिलेगी, सारे के सारे, मतलब आपके जो भी, अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रोबोटिक्स ही मिलेगा आपको, जैसे मैं रोबोटिक्स पढ़ा रहा हूँ, रोबोटिक्स का बता रहा हूँ, इसमें आप कुछ भी क्लास अटेंड करते हो सारी क्लास अटेंड करो, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा आप जितने भी यूट्यूब क्रिएटर से जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी क्रिएटर से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के वीडियो को यूट्यूब क्रिएटिव कॉर्नर यूट्यूब चैनल के अंदर प्रमोट किया जाता है, मतलब उनको पब्लिश किया जाता है वीडियोस को। अब जैसे आपने कुछ बनाया तो आपको स्टार क्रिएटर का अवार्ड भी दिया जाएगा, कुछ यूनिक बनाया सीख के आपने तो स्टार क्रिएटर का अवार्ड भी दिया जाएगा, साथ में आपके इस वीडियो को पब्लिश भी किया जाएगा क्रिएटिव कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल में जाके चेकआउट कर लीजिए, बहुत सारी डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के दो बड़े बड़े स्कॉलरशिप प्लान है, एक है यहाँ पे स्कॉलरशिप प्लान अनअकैडमी एसेंट, जो कि है 6th to 12th के लिए, 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, एवरी मंथ होता है एक्चुअल में स्कॉलरशिप वाला प्लान। इसके लिए भी टेस्ट आपको देना है, तो इसके लिए एनरोल करना पड़ता है, इसके लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनअकैडमी कॉमबैक भी है, जिससे आप जुड़ सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे प्राइजेस वगैरह मिलते हैं। ये सब फ्री है, टेस्ट जितने स्कॉलरशिप प्लान वगैरह हैं ये सब फ्री है, अगर आपने इसको जीत लिया तो आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, ठीक है। प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही हैं अभी बहुत सारी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर।
तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा प्रैक्टिकल फटाफट से, ठीक है। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं अभी, हमारा टेबल वाला कैमरा, जादू वाला कैमरा चालू करेंगे। चलो चलो चलो, ये हो गया जादू वाला कैमरा चालू। ओके सो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आर्डिनो चाहिए होगा। सो फर्स्ट हमारा आर्डिनो ये ना, मैं इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको दे चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे होंगे, या फिर अभी जो लाइव है बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, इसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आर्डिनो के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और वहीं पर आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको नई वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल पाएगी, ठीक है। तो चलो, ये है हमारा आर्डिनो बोर्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये इस तरह का डिवाइस है जिसके अंदर हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम करने के बाद ये हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोड अपलोड कैसे होगा, प्रोग्राम कैसे अपलोड होगा, प्रोग्रामिंग का मतलब बता देता हूँ। प्रोग्राम का मतलब है हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, जैसे रोबोट को चलने की कमांड देते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, तो वो सारी कमांड को जो क्या करते हैं, इसमें फीड कर देते हैं हम केबल के थ्रू, ठीक है। केबल कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, तो यूएसबी यहाँ पे कनेक्ट होता है। और ये किस लिए दिया हुआ है, ये पावर के लिए दिया हुआ है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज बता देता हूँ, आप कम से कम इसमें 7 वोल्ट दो, ठीक है, 6 वोल्ट पे भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप इसे 12 वोल्ट से ज़्यादा ना ही दो तो अच्छा है। रिकमेंड मेरी तरफ से 9 वोल्ट है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये आर्डिनो के लिए दे सकते हो आप, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं आगे। इसके अलावा देखो, मैंने कभी भी उनों का यूज़ किया है तो मैंने हमेशा ये पिंस एक्स्ट्रा बना दिए, मैंने बनाना सिखाया हुआ है। अगर आपको इंस्पायर अवार्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट या टॉप एजुकेशन प्रोजेक्ट या फिर बोलते हैं विनिंग प्रोजेक्ट्स सीखने हैं, रोबोटिक्स सीखना है, तो सारे वीडियो के अंदर चैनल पर जाके देखो, सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। और कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत वगैरह आए तो आपको रिप्लाई पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास पिंस दी हुई हैं, 5 वोल्ट GND बहुत सारी, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब 5 वोल्ट दिया, तो देखो मैंने ये पिन एक्स्ट्रा सोल्ड की हुई है। ये बैक साइड से देखोगे ना, तो ये मैंने एक्स्ट्रा सोल्ड कर दी है अपनी तरफ से। ये आपको आएगा नहीं, ऑनलाइन ऐसा नहीं आता, लेकिन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं वो पिंस पे सिग्नल है। हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा चाहिए, हमें कंफर्ट लगता है जब हमारा मोटर ड्राइवर में बहुत सारे नेगेटिव हो, बहुत सारे पॉजिटिव हो, तो हमें वायर वगैरह काटना नहीं पड़ता, बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बोर्ड के अंदर भी देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट की जो पिन यहाँ पे दिख रही है, एक नहीं है, उसके पीछे भी एक और हो गया, तो 2 हो गया है। ऐसे GND आपको 2 दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखो क्लियर, मैं पास से दिखाता हूँ। तो 2 GND आगे दिए हुए, तो 2 GND पीछे भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 4 GND हो गए। अब देखो इस बोर्ड में खास बात क्या है, ये वाला बोर्ड के अंदर देखो यहाँ पे भी कितनी सारी पिंस दी हुई, तो मैंने यहाँ भी सोल्ड कर दिया अपनी तरफ से, लगाए ये कनेक्टर, ये हाइड्रस पिंस बोलते हैं इसको, बक्सटिप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें फ़ायदा देखो, यहाँ पर GND GND 3 दिए, तो कोने की सारी GND पिंस हैं इसके। देखो 5 वोल्ट 5 वोल्ट फिर GND, तो सेकेंड लाइन में 5 वोल्ट 5 वोल्ट फिर GND हो गया। तो कहने का मतलब है इसमें इतनी सारा GND और ग्राउंड पिंस मिल गई, तो हमें कनेक्शन करने में बहुत इजी रहता है, ठीक है। हेलो प्रतीक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे और चीज़ों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि कोड कभी कभार प्रॉब्लम करता है। अभी मुझे एक मैसेज आया, अभी गिरिराज ने बोला कि सर मेरा वहाँ पे पोर्ट नहीं आ रहा, आई थिंक ये इशू था। हाँ, पोर्ट देखो, याद रखना, पोर्ट जो है सॉफ्टवेयर के अंदर तभी आता है जब सॉफ्टवेयर ढंग से इंस्टॉल करोगे और आपका आर्डिनो ढंग से कनेक्ट होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल कहाँ से करना है मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, देन उसको इंस्टॉल करो, देन USB केबल लगाओ, और अगर 2-3 बार लगाओ निकालो, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ड्राइवर मिस्टेक हो रहा है या फिर आपका आर्डिनो ख़राब आया है। ज़्यादातर देखो 99% केस में आर्डिनो सही ही आते हैं, ठीक है, ख़राब नहीं आते हैं, ठीक है। हमारी गलती के कारण खराब हो जाते हैं। गलती क्या होती है, ये जो बोर्ड के पीछे इतनी सारी पिन दिख रही है आपको, ठीक है, ये मेरे हाथ में चुभ रही है, तो अगर नीचे पानी रखा उस पर रख दिया, कोई प्लेट, कंडक्टिव प्लेट मान लो, अभी फिलहाल मेरे पास कंडक्टिव क्या, ये कटर ही है, ये तो आयरन का कंडक्टिव हुआ। तो मैं भी आपसे क्लास ले रहा हूँ, अभी कनेक्ट करते करते मैंने केबल कनेक्ट करके पावर दिया हुआ और इस पर रख दिया ऐसे। तो रखने से होता क्या, ये बैक साइड के अंदर सारी पिनें शॉर्ट हो जाती है और आर्डिनो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ये यूज़ करो, ये वाला बोर्ड कभी भी यूज़ करो, तो पहले अपने आर्डिनो को बचा लो, नहीं तो फिर ये खर्चा करा देगा। इसका प्राइस बता देता हूँ, 350 रुपये के आसपास ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मे भी ये 450 रुपये तक भी आता है, 500 रुपये तक भी आता है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप ले सकते हो। ये देखो मैं डबल साइड टेप यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ ख़राब होने से बचाने के लिए पहले मैं नीचे डबल साइड टेप, अब पूरी की पूरी गत्ता ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो डबल साइड टेप बिछा देता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है, इस टाइप से देखो, ठीक है, ताकि अब जब नीचे टच होगा तो नीचे पहले गैप आ जाएगा, उसके बाद ये टेप आ जाएगी। अब मैं तो पूरी टेप लगा दो, पूरी लगा दो, मैं तो दोनों साइड लगा देता हूँ, बस इतना छोड़ देता हूँ। सर रेड लाइट जल रहा है,
रेड लाइट जल रहा है ना? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड लाइट जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कुछ पोर्ट वोट का इशू हो रहा होगा, फोटो भेजना कि आपने पोर्ट पोर्ट वाला पार्ट में क्या आ रहा है, मैं भी बताऊंगा, जहाँ जहाँ बताऊंगा ना वहाँ वहाँ के फोटो भेजना, ताकि हम चेक करते उसको वेरीफाई करेंगे, देखो कुछ सोल्यूशन मिलता है। तो देखो ये सेट हो गया, अब इसको नीचे रखेंगे तो ये शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है? तो अभी मैं इस पर रखूँगा तो इसको शॉर्ट नहीं होगा, अब यहाँ पर भी हो सकता है, तो आप पूरा टेप लगा लेना यहाँ पर, ठीक है? मैं तो डेमो दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेटअप रेडी, ठीक है? इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी है। इसके अंदर कभी भी इसको अपलोड, इसमें कोई भी कोड करने से पहले सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करते हो दिखा देता हूँ आपको, ताकि सबको रिवाइज होगा। देखो चीज़ें थोड़ी सी आपको खुद से भी करनी पड़ेगी, ठीक है? एक सेकेंड रुको, मैं फॉर्म खोल लेता हूँ। सो यहाँ पे मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। देख लो आप भी देखो, यहाँ पे गिरिराज आप देखो। ओके सो सॉफ्टवेयर लिंक मैं दे देता हूँ आपको, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर लिंक, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर लिंक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ पे कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मैं आपको सॉफ्टवेयर लिंक बता रहा हूँ। देखो मेरे पास जो लिंक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? ये लिंक आप देख लो, टाइप कर लेना, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है लिंक, मैं अभी फोटो में दिखा दूंगा। http://www.arduino.cif/en/software, ये आर्डिनो आपको चाहिए चाहिए। एंटर मारो, जैसे ही एंटर मारोगे देखो क्या विंडो खुलती है, देन उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आर्डिनो आईडी 1.8.13 न्यू वर्जन है, ठीक है? ये अपडेट हो जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कौन सी आपको विंडो में डाउनलोड करना है, देखो विंडोज जिप, ज़्यादातर विंडोज़ के अंदर क्लिक कर दिया करो ऊपर वाले में। अगर मैकबुक है तो मैकबुक के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है? मैक ओएस सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो अभी हमको चाहिए विंडो के जाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखो क्या आता है, ये बोल रहा है कि सपोर्ट द आर्डिनो आईडी, मतलब अगर आपको कुछ डोनेशन करना है आर्डिनो वालों को तो भैया कंटिन्यू एंड डाउनलोड, कंटिन्यू डाउनलोड करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो आपको कुछ यहाँ क्लिक नहीं करना है, यहाँ देखो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है? तो ये मैंने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक किया और देखो नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो चुका है। ये है 112 MB का, तो मेरे ख्याल से मेरे काम का नहीं है, मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दिया, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है? कैंसिल ही कर देता हूँ, ठीक है? कैंसिल भी कर दिया ताकि आपको यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मिल गई है इसकी। अब हमें क्या करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे हमारा मान लो हमारा आर्डिनो किस तरह से ओपन होगा, तो मैं आर्डिनो पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा आपको। सर मैंने जो वीडियो भेजा टेलीग्राम पर आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, नहीं देख पाया प्रतीक, दोबारा मेंशन कर देना, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, ठीक है? इधर देख लो स्क्रीन दिख रहा है क्या, ठीक है? देखो ये कोड का है, अच्छा ये है उसका कोड, क्या नाम है ड्राइवर का कोड, ठीक है? इसी कोड से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो हम कभी भी आप कहीं भी कोई भी कोड करो ना, तो पहले सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे न्यू में जाओ। देखो न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो जो लिखना है आपको, ठीक है? अब कोड लिखने के लिए आपको मैं समझा देता हूँ, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ ताकि वो क्लियर क्लियर साफ सुथरा दिखे, ठीक है? हर एक बंदा इसका कोड कर पाए, बिल्कुल सिंपल सिंपल कोड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई टफ कोड करने की ज़रूरत नहीं है, उतना करो जितना आ जाए बस, बाकी तो सिर्फ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो इधर कभी भी आप नया विंडो खोलोगे तो कुछ इस तरह का दो इंटरफेस दिखेगा आपको, वाइड सेटअप एक ऊपर दिखेगा और नीचे एक वाइड लूप दिखेगा। तो अभी आपको क्या करना है कि जब भी कभी भी आपको इसके अंदर वाइड इनपुट या वाइड सेटअप लिखा आता है ये वाला, तो इसका जो ब्रैकेट दिया हुआ है नीचे, देखो ये बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट तक दिया है, दोनों ही ब्रैकेट इसी की हैं, तो एक ब्रैकेट खोला हुआ, तो इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो जो कि इनपुट और आउटपुट है। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है पिन मोड, ठीक है? पिन मोड का यूज़ करना पड़ता है जिसके कारण आप डिफाइन कर पाओगे कि ये इनपुट है या आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मोटर हुई तो पिन मोड इनपुट सॉरी आउटपुट, मोटर एक हुई ना, मोटर आउटपुट कहलाती है हमेशा, और इनपुट क्या कहलाता है, जैसे सेंसर हुए, ठीक है, स्विच हुआ, ठीक है, तो वो इनपुट कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है? तो वो डिफाइन होता है। वॉइड लूप के अंदर जो आप टास्क करा रहे हो बार बार चलता रहे, वो एक बार हटे नहीं, ठीक है, तो चलता रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे वॉइड लूप के अंदर आती है, ठीक है? चलो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो देखो हमारे पास एक कोड है, मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला कोड, ठीक है? सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें साउंड सेंसर लेना, तो देखो मैं साउंड सेंसर ले लेता हूँ पहले, हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं और हमारा जादू कैमरा ऑन करते हैं। ये जादू वाला कैमरा ऑन हो गया मेरा, ठीक है? तो ये जादू वाले कैमरे का कमाल देखो, ठीक है? यहाँ पे आपको आर्डिनो एकदम पास से दिखेगा पूरा क्लीन। अब देखो मुझे क्या चाहिए, कोड चाहिए सबसे पहले, ठीक है? देखो ये मेरा बॉट है, देखो रोबोट को बॉट भी बोलते हैं, ठीक है?
ठीक है, ये इस टाइप का है, ये चेसेस है ठीक है, और मैंने इसका यूज़ किया हुआ है कई बार। ये देखो पेपर चिपका हुआ, ये गत्ता, कल वो बताया ना मोपिंग रोबोट बनाया था कल अपन ने, ये उसी का गत्ता चिपका हुआ है, MDF निकल नहीं रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, टेप भी नहीं है। कल इससे हमने मोपिंग रोबोट बनाया था, बहुत बहुत शानदार काम कर रहा था वो। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लैप कंट्रोल, था साउंड से कंट्रोल करने वाला रोबोट को हम बनाएंगे, मतलब किसी तरह का नॉइज़ वगैरह जो है वो जनरेट करके हम अपने रोबोट को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये रोबोट थोड़ा सा स्लो है, तो आप देख पाओगे अच्छे से, RPM अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन पूरा स्टेप वाइज मैं बताऊंगा, ताकि आपको जो जो प्रॉब्लम आएगा तो उसको परफॉर्म कर पाओगे आप। ठीक है, चलो ये थोड़ा सफाई कर देते हैं इसकी। ओके देखो, ये हमारे पास गियर मोटर्स है। देखो ये जो गियर मोटर्स आती हैं, इस ये जो है 12 वोल्ट की मोटर्स होती हैं, इनमें 12 वोल्ट आप दे सकते हो। ये 60 RPM है, RPM मतलब रोटेशन पर मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इसके अंदर 12 वोल्ट दोगे आप और ये 1 मिनट के अंदर 60 चक्कर काटेगी, मतलब इसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो स्लो है। अगर ये 500 RPM होती तो बहुत तेज चलती, लेकिन ये सिर्फ 60 RPM, तो आपने मैंने 60 RPM इसलिए लिए ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ। और दूसरी चीज़, कभी भी कंपटीशन है आपका, एग्जीबिशन है, आप कुछ बनाना चाहते हो, जैसे मान लो अब बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड है और सीख रहे हैं, तो वो बोलते हैं सर हम ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएंगे, सर्विस रोबोट बनाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बड़ा रोबोट बनाते हैं उसके अंदर 1000 RPM की मोटर नहीं लगाते, रोबोट भाग जाएगा या चलेगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा जब बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो वो स्लो चलना चाहिए, तो स्लो चलने के लिए हमें RPM को कम करना पड़ता है। तो कम RPM की मोटर का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, कंपेयर टू हाई RPM। हाई RPM हमेशा ज़्यादातर काम आता है फैन वगैरह के अंदर या फिर हमारा रेसिंग के अंदर। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो स्कूल के अंदर, ऐसा कि सर हमने एक रोबोट बनाया जो बुके वगैरह प्रेजेंट करेगा और घूमेगा, तो उसका वजन ही अगर मान लो 5-7 kg है वजन, बड़ी बैटरी लग रही है, बॉडी स्ट्रक्चर थर्माकोल का बड़ा बनाया हुआ है, मतलब इतनी हाइट है मेरे बराबर, तो वहाँ पे RPM आपको कम लेना पड़ेगा, 60 RPM, थोड़ा स्लो चले लेकिन चले। इसीलिए जितने भी रोबोट बड़े वाले हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी रोबोट हैं बड़े हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होते हैं, उन वो थोड़ी कम ही स्पीड पे काम करते हैं। क्यों गिर जाएंगे, क्यों सामान रखा भी गिर जाएगा उसके अंदर, तो स्लो स्पीड में काम करते हैं, RPM का कम रहता है। ठीक है, तो ये हमारी जो मोटर है 60 RPM की है। आप चाहो तो यहाँ अपने हिसाब से कम आप इसके अंदर कौन सी यूज़ कर सकते हो, 100 RPM। तो अब देखो यहाँ पे एक वायर टूट गया है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इसके लिए सेफ्टी नहीं बनाई थी। ठीक है, इसीलिए वायर टूट गया, अगर हम टेप लगाते ना तो सेफ्टी नहीं टूटता ये। ठीक है, हमारा वायर कहाँ चला गया, रेड वाला, अरे आयरन भी निकला हुआ, सोल्ड कैसे करूँगा, रुको रुको, सोल्ड आयरन चालू कर लेते हैं। एक वायर टूट गया इसका मोटर का, ये देखो ये वाला जो है ना ये टूट गया, ये देखो एक्चुअल में इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि हमने इसके अंदर वो टेप नहीं लगाया। ठीक है, इसका वायर क्या छोटा था तो मैंने इसमें टेप नहीं लगाया, इसमें टेप लगाते थे तो खिंचाव यहाँ पड़ता, टूटता नहीं। तो ऐसा कभी भी कॉम्पिटिशन इस मोटर को लेके हो ना, तो आप इसको यहाँ पे बैंड करके चिपका लेना। ठीक है, कहाँ चल गया रे वायर, वायर अलग से जोड़ना पड़ेगा क्या, ऐसा होता है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। चलो ये वाला वायर जोड़ देते हैं इसी में से, हाँ मिल गया मिल गया। अरे यार ये तो उसी का वायर है, इसमें से लाल निकाल लेते हैं, लाल जोड़ देंगे और क्या। अरे ये तो स्पेस स्टेशन जैसा दिख रहा है, जी से देखो यहाँ पे पूरे टायर वायर लगे हुए हैं। सो रेड वायर मैंने उधार मांग लिया इधर से। ठीक है, अब इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे सोल्ड करके, ताकि क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सही हो जाएगा, वायर छीने का कटर का यूज़ करना आप लोग। ठीक है, सोल्डिंग से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं जुड़ेगा ये, थोड़ी तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, वायर टूट गया हमारा। अरे क्या हो रहा, सोल्ड ही नहीं हो रहा, पिघल ही नहीं है। ऐसा देखो आयरन के साथ होगा, आपके साथ भी, ये पॉइंट ढंग से बनता नहीं तब हो रहा, देखो अब पॉइंट बना हो जाएगा, शायद गर्म नहीं हुआ था, तो घिस लेना वो जो पत्थर वत्थर पे। ठीक है, अब भी देखो इसको सोल्ड करके फिक्स विक्स करते हैं। चलो ये हमारा वायर जुड़ गया। अब देखो मोटर्स के अंदर क्या होता है, व्हील्स तरह तरह के आते हैं, मेरे पास ये वाले व्हील है। ठीक है,
और इसके मैं कनेक्शंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, कनेक्शन जब भी आप करो तो पैरेलल कनेक्शन करने हैं। मैं आपको ये बता चुका, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, कि पैरेलल कनेक्शन का मतलब इधर वाली लेफ्ट वाली को बस में जोड़ लो आप, ठीक है। रेड रेड वायर, ब्लैक ब्लैक वायर, या फिर डायरेक्शन को चेक कर लेना आप। तो यहाँ पर हम कटर का यूज़ करेंगे हमारे, ठीक है। इतने वायर में छील नहीं पाऊँगा, तो ये हमारा छोटा ड्रैगन है, ये बहुत काम आता है हमारे। देखो वायर कितना आसानी से छीलता है। तो 6 जने वीडियो देख रहे हैं। हेलो मंजीत, हेलो प्रतीक, सब वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। अरे ये तो टूट गया थोड़ा सा वायर, इसके दांत ज़्यादा तेज है। ये देखो इसके दांत बहुत तेज है, इसको आराम से यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये मैं क्या बार बार इसको खोलता ना, कि बहुत सारे बच्चों को इसके वायर के बारे में पता ही नहीं होता, और तो इसी चक्कर में ये पूरे वायर को कटिंग करके छोटा हो गया बेचारा, ठीक है। चलो तो यहाँ पूरा सेटअप हो गया। अब मैं देखो इधर वाली मोटर के कनेक्शन ले रहा हूँ, बिल्कुल चेक कर करके लेंगे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, नहीं नहीं ये वाला नहीं, इधर वाला है। तो ये दोनों वायर मैं रेड रेड जोड़ रहा हूँ, ताकि मेरा डायरेक्शन जो है एक साइड का सेट हो सके, इधर वाला ब्लैक और इधर वाला ब्लैक। ये इधर वाला रेड, इधर वाला ब्लैक, ठीक है। बिल्कुल आराम से, ठीक है, रुक रुक के आराम से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, अब वेरीफाई कैसे करेंगे हमारे कनेक्शन सही है नहीं है, ठीक है। वो चेक करने के लिए हम इसके अंदर पावर देंगे। न्यू स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उनको समझना ध्यान से, जैसे मैं पावर दूंगा यहाँ पे, देखो दोनों टायर मेरे क्लॉक वाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक वाइज चलने चाहिए। देखो सही चल रहे हैं, दोनों आगे चल रहे हैं या दोनों पीछे चले एक साथ, बिल्कुल परफेक्ट। अगर ये आपके उल्टे सीधे चल रहा है, एक अंदर चल रहा है एक अंदर चल रहा है, तो इसके वायर को इंटरचेंज कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो, आगे फॉरवर्ड पलट दिया, बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। सो यहाँ पे सारी मोटर हमारी कनेक्शन सही है। चलो इसको बैक साइड में ले लेते हैं। तो इसमें होल दिया हुआ है पहले, कि जो चेसिस है आयरन का चेसिस है, ये 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में आ जाता है, मे बी शिपिंग ज़्यादा लग सकता है आपको। मैंने तो ये लोकल लिया था, यहाँ पे मिल गया था मेरे को, ठीक है। चेसिस मतलब ये रोबोट का बॉडी, ठीक है। अब ये देखो मैं ये वाले वायर भी इधर ले रहा हूँ, तो ऊपर से ये वायर निकल जाएगी, बड़ा अच्छा है चेसिस रोबोट। पता है स्पेशली ये रोबोटिक्स की एजुकेशन के लिए ही किट बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इन चीज़ों को सीखें और कुछ ऐसा तैयार करें जो कि इन्वेंशन हो, ठीक है। चलो तो बेसिक होता है इन चीज़ों को करने से, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या वायर्स हमारे जुड़ चुके हैं, तो अभी हमें जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं मोटर। तो अभी मोटर हम कौन सी यूज़ करें सोच रहे हैं, मोटर ड्राइवर तो हमारे पास दूसरा वाला है। चलो L298 यूज़ करें क्या? चलो ये देखो L298 पड़ा हुआ था, आज किसी स्टूडेंट ने कहा था यूज़ करने के लिए, तो इसे ही यूज़ कर लेते हैं। अब इस मोटर ड्राइवर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो मोटर ड्राइवर L293, मेरा तो हाथ ही नहीं आ रहा इस पर, रुको रुको ट्राइपॉड को नीचे सेट करने, तो फिर जादू वाले कैमरे को जूम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जादू वाला कैमरा जूम हो गया, अच्छा थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा क्या, अब दिख जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने में समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इधर देखो पॉइंटर, पॉइंटर कहाँ है, मैं कैसे दिखाऊंगा इसको, मैं पेन भी नीचे गिर गया हमारा, बिट जिंदाबाद बिट। तो ये है देखो बिट, मेरे पास से बताता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये है L298 मोटर ड्राइवर, ऐसे L293D भी आता है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, चार इनपुट और चार आउटपुट का। तो देखो ये और ये आउटपुट है, ये और ये आउटपुट है, ठीक है, ये दो हमारे आउटपुट है, तो इसमें इनपुट कहाँ है, तो यहाँ पर देखो चार पिंस दी हुई है, 1 2 3 4, तो टोटल चार इनपुट हो गए और चार आउटपुट हो गए। तो इस मोटर ड्राइवर का नाम है L298। इसका काम क्या होता है, मोटर को ड्राइव करना क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। इस बार वायर चेंज नहीं करना पड़ा, हाँ गिरिराज एक्चुअल में क्या है, ये मोटर जो मैंने परचेस किया था, तो इसमें रेड और ब्लैक वायर सही जगह पे जुड़ा हुआ था, ये टेस्टेड करके जोड़ के भेजते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल सही जुड़ गया रेड और ब्लैक वायर। हर बार टेस्ट, देखो टेस्ट तो आपको करना है, क्योंकि क्या होता है ये जो सोल्ड होके आया है वायर, ये मैनुअली सोल्ड होके आया है, तो मे बी उनसे भी वायर गलत जुड़ सकते हैं। हम तो अपनी प्रैक्टिस करते हुए चले ना, मुझे पता है प्रॉब्लम आती कहाँ कहाँ है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर सब शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। 9 जने देख रहे हैं वीडियो को, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ नीचे जाके ज्वाइन हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिल जाए क्लासेस के लेके। चलो इसके अलावा देखो ये ना, यहाँ पे मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, देखो ये पिंस के बारे में बता दिया मैंने। इसके अलावा देखो 3 पिन एक्स्ट्रा दी हुई, ये थोड़ा सा अलग होता है इसके अंदर। एक्चुअल में क्या है, एक में नेगेटिव देना है,
एक में 12 वोल्ट देना है और एक में 5 वोल्ट देना है, पढ़ना पड़ता है इसमें, देख के जरा कहाँ पे, यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट देना है। तो अभी इसका यूज़ कर लेते हैं, ये काला काला पट्टी जैसा पूछेंगे आपसे वाई में क्या है, तो ये हीट सिंक है, एलुमिनियम का लगा रहता है ताकि ये मोटर ड्राइवर जब थोड़ा सा गर्म होएगा तो ये एलुमिनियम का टुकड़ा इसको थोड़ी हीट वगैरह से बचाएगा, ठीक है, ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है। और वैसे छूते तो ठंडा ही लगता है हमेशा। चलो इसको यूज़ करते हैं। मैंने कहा ना ये यूज़ करने से पहले एक प्रॉब्लम आती है हमेशा, मैं बस बताता हूँ। हमारा जो बॉट है ये लोहे का है, अगर आपका ये प्योर लोहे का है जिसमें कोटिंग नहीं हो रहा है ये तो शॉर्ट कर देगा हमारा मोटर ड्राइवर से रखेंगे तो या तो आप टेप लगा लेना इसके नीचे नीति है, या तो डबल साइड टेप। तो फिलहाल मैं इसमें भी डबल साइड टेप लगा रहा हूँ, देन उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। इस वाले मोटर ड्राइवर पर आपको मैं काम से कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब तरह तरह के यूज़ करता हूँ, जो आपके पास अवेलेबल हो वैसे ही चला लो, ठीक है, ताकि नीचे से शॉर्ट ना हो, ठीक है, और इधर उधर मूव भी ना हो, ये भी अच्छा हो गया काम। चलो ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करता हूँ ताकि बैटरी वैटरी का कनेक्शन वगैरह। चलो इधर कनेक्ट कर देते, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमारा ये मोटर कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक कनेक्ट हो गया। अब ये वायर्स को ये मोटर के आउटपुट्स में कनेक्ट करने, ताकि हम अपने वायर्स से कम फ्री हो जाए, नीचे वाले पार्ट पूरे हमारे रेडी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, रेशियो जो निकल रहा है देखो ऐसे बिखरा हुआ रहेगा ना तो कभी जाएगा नहीं वायर, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको अपना परफेक्ट चलाना है प्रोजेक्ट तो इसको रोटेट करो, रोटेट करो, रोटेट करो, ठीक है, उसके पास को बैंड कर लो ताकि ये ईजिली इंसर्ट हो सके। नहीं जा रहा ना तो धक्का मार के घुसा दो उसको कि चल जा अंदर, चल जाएगा। अरे स्क्रू ड्राइवर कहाँ चला गया, ओके। सो स्क्रू ड्राइवर हमारे यहाँ, मैं एक पैकेट ले आया खरीद के चक्कर में, तो मिलता ही नहीं स्क्रू ड्राइवर मेरे को, तो 40 लेके आया स्क्रू ड्राइवर, 40 से 40 स्क्रू ड्राइवर मैं इधर उधर बिछा के रखता हूँ, 4-5 इधर 4-5 इधर। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर एक मतलब बहुत टेबल पर काम होता रहता है, तो कोई कोई ले लेता है, कोई कोई ले लेता है, तो मिलता ही नहीं है, तो जो चीज़ मुझे मिलती नहीं तो मैं ज़्यादा ले आता हूँ उठा उठा के, ठीक है। चलो हमारे मोटर ड्राइवर के वायर जो है हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये L298 के बारे में बता रहा हूँ, ये L298 है, और वायर लगाते समय ध्यान रखेंगे आसपास के रेशे इसमें जो होते हैं ना वायर के वो ना निकले, नहीं तो इधर तो शॉर्ट हो जाएगा ये। ये आउटपुट का कनेक्शन जोड़ लो, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, तो ये हमारे मोटर के कनेक्शन हो गए हमारे, ये वाले पैरेलल करके हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ वाले पैरेलल करके यहाँ जोड़ दिया, कैसे भी इधर उधर कहीं भी जोड़ सकते हो, लेकिन एक साथ दो जोड़ना कम से कम, कि आड़े टेढ़े इधर उधर मत जोड़ देना कि इसका एक इधर कन्फ्यूजन होता है, अभी चलने में दिक्कत आएगी। तो चलो हमारे यहाँ पे चार सिग्नल की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए हमारा एक मोटर ड्राइवर, तो आ गया आर्डिनो बोर्ड। तो सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। अब आर्डिनो बोर्ड में कुछ तो आपको कोड करना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर इसमें हम सेंसर, साउंड सेंसर कहाँ गया, देखो ये रहा, देखो इस साउंड सेंसर का यूज़ करना, तो ये हमारा एक इनपुट हो गया। अगर मोटर ड्राइवर चलाना है तो याद है इसमें चार आउटपुट जा रहे हैं तो चार इनपुट भी जाते हैं, तो इसमें चार हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आउटपुट। तो एक इनपुट है, चार आउटपुट है, तो टोटल 5 पिन डिफाइन होगी किसके अंदर, पिन मोड के अंदर, मतलब वॉइड सेटअप के अंदर, ठीक है। लगता है मेरे घर में कुछ खाना वगैरह ऐसा बन रहा है तो उससे मुझे झांक आ रही है। सब प्लीज 3D प्रिंटर और ऑटोमेटिक वायरिंग मशीन निकुंज बनाना सिखाइए, मैं एक इसमें व्हील चेयर, यस ये अच्छा आइडिया दिया आपने संयुक्ता, ओके। सो मैं आपको व्हील चेयर बनाना सिखाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये एक सा सामान अवेलेबल है मेरे पास। और रही बात 3D प्रिंटर, देखो 3D प्रिंटर का सामान जब मैंने पहली बार बनाया तो 2.5 महीने लग गए मुझे उसको बनाने में, और मेरे जहाँ पैसे लगने थे 15,000 रुपये वहाँ लग गए 25,000 रुपये। तो ये एक प्रॉब्लम है 3D प्रिंटर में। होता क्या है कि 3D प्रिंटर के जो पार्ट्स बनाते हैं, जो यूज़ करते हैं ना, अगर वो हल्का सा भी इनबैलेंस होते हैं ना, तो जो प्रिंट होता है ना वो पूरा बेकार निकलता है। आपको तो लगेगा प्रिंट कर दिया लेकिन क्वालिटी बिगड़ जाएगी, इतना पैसा लगाने के बाद क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, तो दिक्कत आती है। तो मेरे को बहुत दिक्कत आई थी 3D प्रिंटर के अंदर काम करने में, बाकी पार्ट्स तो निकल जाते मस्त मस्त। व्हील चेयर वाला अच्छा बताया अपने आइडिया, ये मेरा भी एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। स्कूल के लिए मैं व्हील चेयर का टॉपिक लाने वाला हूँ, ये मार्च वाले में आएगा, ठीक है।
फेब वाले के अंदर तो अभी 4-5 दिन में, हाँ 28 फेब आ ही रही है, तो मार्च वाले के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो हमें आर्डिनो के अंदर यहाँ पे कोड भरना है। तो देखो सबसे पहली बात, हम पहले ही साउंड सेंसर को चेक कर लेंगे कि भाई ये जिंदा भी है या नहीं है, क्या पता पड़ा पड़ा ख़राब हो गया हो। ठीक है, तो इस सेंसर को हमें चेक करने के लिए हम इसमें पहले कोड अपलोड करेंगे और एक LED लगा लेंगे और बोलेंगे क्लैप करके चलने के लिए चल जाएगी। तो ठीक है, इसके अंदर साउंड सेंसर काम कर रहा है। तो चलो सबसे पहले इसको, हमारी इस बॉट को इधर उधर पटक देते हैं। ठीक है, और चाहिए हमको उधार थोड़ी बहुत LED, तो ढूंढते हैं LED कहीं मिल जाए तो मेरे पैरों के नीचे। ठीक है, ये है हमारे पास LED। अब रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा। इतना सा, हाँ मिल गया, फाइनली आई गॉट अ सक्सेस। सो वी हैव टू LEDs। ओके, हमारे पास दो LEDs है। एंड ये रजिस्टर है, 100 ओम का है रजिस्टर। आप 1 किलो ओम तक का कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। पहले साउंड सेंसर से हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारा कोड जो अपलोड हुआ है और परफॉर्म कर भी नहीं कर रहा, मेरे रोबोट पे मत चल जाओ डायरेक्ट, यही गड़बड़ होती है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं जितने भी स्टूडेंट की, सर हमारा रोबोट नहीं चला रहा। रोबोट पे पहली बार बना हुआ कैसे, मतलब दिक्कत तो आएगी सही ना, तो पहले स्टेप वाइज करो। ठीक है, तो साउंड सेंसर लिया हमने, चलो हमारा कोड कहाँ है, कोड 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 कोड, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, दोनों को साथ लेते हैं ना। ये जादू वाला कैमरा को यहाँ सेट किया और कोडिंग भी थोड़ा सा हम साथ में ले लेते हैं, बस कीबोर्ड मेरा थोड़ा सा दूर है, तो आई मीन मुझे थोड़ा सा कीबोर्ड को भी पास में लाना पड़ेगा ताकि मैं टाइप कर सकूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं, चलो देखना अभी इसका। ओके चलो, तो हमारा कोड वाला पार्ट देखो। अब जैसे मान लो मेरे पास एक कोड के अंदर सेटअप दिया हुआ है, मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना चाहता हूँ, तो मैं अभी फिलहाल ये उड़ा देता हूँ। मुझे तो सेंसर चेक करना है, मैं रोबोट का नहीं चेक कर रहा। कभी भी आप नया कर रहे हो, स्टार्टिंग करो, अभी आपने 10-12 प्रोजेक्ट ही बनाया हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यही चीज़ें बार बार करो जैसे मैं बता रहा हूँ, जिससे आप कह रहे हैं आपको आर्डिनो यूज़ करना आ जाएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आती है उसी में सब आर्डिनो बंद कर देते हो, वो नहीं करना पड़ेगा, जो बनाता है वो जीतता है। ठीक है, तो आपको एक्सपर्ट बनना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलो यहाँ पर कुछ कर लेते हैं हम तैयारी थोड़ी सी। अच्छा, इसको ले लेते हैं कहीं और, न्यू फोर, ये किसी के कोड है उसमें सेव रहेगा तो सही रहेगा। ये वाले को हम करते हैं नो सेव कर देते हैं। अब ये वाले को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बोला कि देखो अब मुझे क्या करना है। पहली चीज़ मैं पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मेरे पास एक सेंसर है और एक LED है, तो सेंसर के लिए हमेशा इनपुट यूज़ किया और LED के लिए हमेशा आउटपुट यूज़ किया। इसके अलावा देखो सेंसर के लिए कंडीशन लिखी कि इफ़ डिजिटल रीड टू, मतलब सेंसर जो है पिन नंबर 2 पे कनेक्ट है, अगर वहाँ सिग्नल हाई के बराबर आता है, मतलब ये कंपेयर करता है बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ें चलाऊंगा जो इसके अंदर लिखी हुई, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चला दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने ऊपर आउट आउटपुट लिया है, तो 9 को मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मेरे को तो एक ही LED चलानी है, तो कितनी देर के लिए चले उसके लिए मैं डिले डाल देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे दिखे तो सही, नहीं तो पता लगा अगर दिखेगा ही नहीं डिले तो 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम कोमा ये डाल देते हैं जिससे कारण ये वक्त, देखो अभी मैंने सिर्फ अपना मोटर, ये जो हमारा क्लैप सर्किट काम कर रहा है नहीं कर रहा उस पर चेक करें, देन उसके बाद इंप्लीमेंट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, बहुत स्टेप वाइज बता रहा हूँ, बिल्कुल हर एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा, समझना ध्यान से, और 100% चलेगी आपका। ठीक है, छोटे छोटे टास्क करो, फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ। ठीक है, टुमारो वी मेक अ व्हील चेयर, टुमारो शायद आई थिंक क्लास नहीं है मैं शाम को 8 बजे वाले में, बट ट्राई करूँगा। ठीक है, व्हील चेयर वाला, कौन सा वाला व्हील चेयर चाहिए आपको बता दो। मैनुअल, चलो पहले मैनुअल सिखा दूंगा, फिर वायरलेस वाला व्हील चेयर सिखा दूंगा, फिर आपको मोबाइल ब्लूटूथ कंट्रोल भी सिखा दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो हमने जो कोड किया है सबसे सिंपल कोड किया है हमारे क्लैप को सर्किट सेंसर को चेक करने के लिए। हमने कोड किया है कि भैया जब तुम क्लैप करो साउंड सेंसर पे आएगा तो पिन नंबर 8 वाली LED जो हाई है मतलब चालू हो जाएगी। कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1000 मिली सेकंड है तो 1 सेकंड हो गया ये। उसके बाद कुछ देर बाद एल्स, एल्स मतलब उसके बाद अपने आप ही लो हो जाएगी। तो ये मैंने कोड किया, चलो इसको अपलोड कर लेते हैं फटाफट से। आपको यहाँ पर स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, और अपलोड 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 अपलोड। ये अपने साथ ही क्यों होता है, मुझे केबल भी बहुत सारी खरीदनी पड़ेगी, तो केबल भी गायब है। एक्चुअल में क्या नैनो पे ज़्यादा काम कर रहा था, तो नैनो की केबल लगी हुई है यहाँ पे, सारी केबलों को चिपका के रखना पड़ेगा, इधर उधर भाग जाती है केबल है। तो ये हमारा केबल है USB, जब मैं इसमें कनेक्ट करूँगा देखो एक साउंड से जनरेट होगा, ये आता है तो इससे पता लग जाता है जनरली कि हाँ मतलब वो अपने आप ही ड्राइवर वगैरह ले लिया इसने, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक
ठीक है। तो चलो इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं इसको अपलोड करने के लिए पहले चेक कर लेता हूँ। देखो आप यहाँ पे गिरिराज, देखो आप, आपको दिक्कत क्या आता है, पहले देखो टूल में जाओ, आप ये चेक करो कि यहाँ पे मैं ये नैनो हो रहा है मेरा, नैनो काम का नहीं, हमारा ऊनो अभी है, ऊनो है ना, तो ये मैं AVR बोर्ड पे जा रहा हूँ और ऊनो पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऊनो ले लिया। अब ऊनो होने के बाद भी देखो यहाँ पे AVR ISP MK11 है या नहीं है, कॉम पोर्ट आ रहा है या नहीं है। कॉम पोर्ट नहीं आ रहा तो USB को एक दो दो तीन बार खोल के निकाल लो, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो एक दोबारा सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड करो, दोबारा इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है, उससे चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी क्लियर है। अब मैं इसमें अपलोड पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो जितने भी स्टूडेंट को बता दूँ, ये जो राइट दिख रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में, ऊपर राइट दिख रहा है, ये राइट से वेरीफाई होता है कोड, तो वेरीफाई कर लेते भैया, क्या पता कोई गड़बड़ हो। ये सेव करने को मांग रहा है, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, संयुक्ता आप ना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है, न्यू क्लास की अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और अभी आज का डाउट के बारे में मैंने जो बताया है उसमें आपको ऐप इंस्टॉल करके डाउट पूछने अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरीफाई किया है जब मैंने यहाँ पे, तो नीचे लिखा आ रहा है डन कंपाइलिंग, बहुत छोटा छोटा लिखा आ रहा है लेकिन ये वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि रन हो गया हमारा। इसके अलावा आप अपलोड पर क्लिक कर रहा हूँ, जो एरो का बटन है ये बोल रहा है भैया जाओ अंदर, कोड हमारे पास से निकलो यहाँ से, तो यहाँ से धक्का मार के इसको हम आर्डिनो के अंदर डाल रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे बोर्ड में जब भी आएगा यहाँ लाइटें ब्लिंक करेगी, जैसे अपलोड होने वाला होगा, जैसे ब्लिंक होगा लास्ट मोमेंट पे RXTX की LED ब्लिंक करेगी। देखो ये 2 सेकंड के लिए ब्लिंक करी, ये बस 1-2 सेकंड के लिए ब्लिंक करी और इसमें कोड अपलोड हो गया। तो चलो इसको टेस्ट कर लेते पहले, फिर हम इसको मोटर पर अप्लाई करेंगे। कभी भी कोई भी सेंसर और मॉड्यूल है सबको ऐसे टेस्ट करना है आपको, ठीक है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो लगाओ डायरेक्ट, चलाओ आराम से, जीतो कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। चलो इसे कनेक्शन थोड़े से हम कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा लाइट के कारण इश्यू रह सकते हैं, मदरबोर्ड की लाइट जो चालू रहती है इसके अंदर, ठीक है। देखो हमारा बॉट जो है इधर पटक देते हैं, इसको थोड़ा सा जगह ले लेंगे। और हमको चाहिए जंपर, जंपर, जंपर वायर, मेल टू फीमेल चीज़ में, तो ये देखो। हमने यहाँ पे 3 जंपर वायर लिए, ठीक है, ये कनेक्ट किया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसकी जो पावर है उसको कनेक्ट करेंगे हमारे आर्डिनो की पावर से, ठीक है। तो फर्स्ट वी जस्ट टेक VCC पिन, ठीक है, हम इसमें VCC पिन को सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको ले रहे हैं हम, ये वाइट वाला वायर मेरा VCC पिन है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ 5 वोल्ट पे। देखो 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देना, इससे ज़्यादा वोल्ट मत देना, यहाँ 5 वोल्ट लिखा है इसलिए मैंने 5 वोल्ट पे दिया है। और कनेक्शन करते समय वेरीफाई कर लेना 5 वोल्ट सही है ना, GND भी तो नहीं डाल दिया, उल्टा करोगे बोर्ड ख़राब हो जाएगा, आर्डिनो बोर्ड, सेंसर तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। GND ये ब्लैक वाला जो है वायर, ये GND है, मतलब नेगेटिव, इसके पास में नेगेटिव डाल, जैसे मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया यहाँ पे हमारा इस हल्का सा ब्लिंक हुआ था, मतलब पावर इसके अंदर आ गया है। और मैं इसमें क्लैप करूँगा, देखो 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 काम कर रहा है ना, ये साउंड को ले रहा है, देखो दम 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 दम, वो माइक टेस्ट करते ना, माइक टेस्टिंग डम 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 करता है, तो वैसे देखो ये भी ले रहा है, तो हमारा सेंसर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, थोड़ा क्या पूरा ही काम कर रहा है, सेंस कर रहा है। अब ये सिग्नल वहाँ तक दे रहा है, LED को ऑन करता है नहीं करता, मतलब क्लैप करूँ ये ब्लिंक कर रहा है देखो, तो ये जो चीज़ बहुत कम दिख रही है, हमें पूरी प्रॉपर वे में आउटपुट मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए हमने डिले दिया हुआ है। जैसे सिग्नल आएगा वो डिले 1 सेकंड के लिए वो LED ग्लो हो जाएगी, कि कहाँ पे ग्लो होगी, जहाँ हमने कोड पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है चलो, ये जो है हमारा ये जाएगा पिन नंबर किस पे, जिसमें हमने इनपुट डिफाइन किया हुआ, इनपुट किस पे गए, इनपुट इनपुट 2 नंबर पे इनपुट है हमारा और यहाँ पे 8 नंबर पे आउटपुट है हमारा, तो 2 नंबर पे इनपुट, तो 2 नंबर पे इनपुट ध्यान रखना, ठीक है। पिन नंबर 2 देखो 0, 1, 2 मैं गिन गिन के रखता हूँ, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे इनपुट चला गया, आउटपुट किस पे था फिर भूल गया, 8 नंबर पे शायद, 8 नंबर पे आउटपुट है हमारा, तो 8 नंबर हम गिन के कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कोने वाली, ये जो इधर वाली कोने वाली 8 नंबर की पिन है। तो देखो कभी भी कोई भी LED के साथ रजिस्टर जरूर यूज़ करना, 100 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक का, ठीक है, 100 किलो ओम नहीं, ओम ओनली, ठीक है। 1 रुपये का था रजिस्टर, हाँ उसके लिए 70 रुपये का पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। मेगा ड्रोन, ड्रोन के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, कॉम पोर्ट नहीं आ रहा है, उसका फोटो और वीडियो भेजना छोटा सा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे मच्छर हो गए, इनका इलाज करना पड़ेगा। मैं मॉस्किटो मारने वाला रैकेट बनाया था मैंने, हाँ याद आ गया मेरे को, पता क्या था, जब मॉस्किटो रैकेट आए थे या नहीं आए थे मुझे आइडिया नहीं आ रहा, बहुत छोटा था मैं उस वक्त, तो मैंने वो जो रैकेट आता था वो अपना चिड़ी बल्ला बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन वाला, तो उससे वो हम खेलते थे, 30 रुपये का आता था, मेले से लाते थे हम, ये 10th की बात है शायद, 8-10 साल पहले ही, 30 रुपये का मिलता था सस्ते में, और 5 दिन तो चल ही जाता था, तो वो 5 दिन तो चला नहीं, मैंने उसको धागे सारे काट दिए। और फिर मैंने मॉस्किटो रैकेट के लिए एक गैस लाइटर पहले बहुत चला था सेल वाला,
इलेक्ट्रिक वाला, तो वो जो उसका सर्किट निकाला गैस सिलेंडर का पुराना किसी का, उसको सही किया और उसकी वायरिंग बनाई पूरी उस मॉस्किटो रैकेट के अंदर, जैसे अभी होता है ना मॉस्किटो रैकेट जैसे अभी आ रहे हैं, तो वैसी लेयर बनाई दोनों इसमें से पास पास करके, ठीक है। मच्छर इसके बीच के अंदर जैसे आता है तो वो उन दोनों गैप को जो दूरियां उनको कम कर देता है और वो मच्छर मर जाता है। तो ऐसा बनाया, मतलब बहुत कोशिश करी मच्छर मारने की, मतलब मच्छरों को थैले में भर भर के लेके ऐसे गया मारने के लिए, तब जाके एक या दो मच्छर उसमें मरते हुए मुझे कुछ दिखे। सक्सेस पूरा तो नहीं हुआ था लेकिन मैंने ट्राई उसको किया था, एक तो मच्छर तो मर ही गए थे। मॉड्यूल, ये दिस इज अ वॉइस मॉड्यूल, क्लैप सेंटर मॉड्यूल, यू कैन बाय फ्रॉम ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट, यू कैन जस्ट सर्च साउंड कंट्रोल साउंड सेंसर फॉर आर्डिनो, दिस इज अ साउंड सेंसर, यू कैन बाय फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, ऑल आर सिमिलर, ओके। सो यू जस्ट टाइप द साउंड कंट्रोल सेंसर या साउंड कंट्रोल मॉड्यूल, क्लैप कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, फॉर आर्डिनो लिखना, देन उसकी यू विल गेट द प्रॉपर प्रोडक्ट्स इन इंफॉर्मेशन। चलो यहाँ पे मैंने 8 पे कनेक्ट कर दिया ये वाला पार्ट, और ये एलईडी यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, एलईडी का पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट है, नेगेटिव यहाँ कनेक्ट है, क्योंकि 4 नंबर की पॉइंट हमारी नेगेटिव होती है। तो अभी मैं क्लैप करूँगा तो ये चलना चाहिए। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा ये हिल ही ढीला हो रहा है, देखो इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। तो देखो ये पिन इसमें बहुत जाके आराम से ढीली हो रही है, तो इस पिन को टाइट करने के लिए इसकी इसकी टांगों को थोड़ा तोड़ मरोड़ दो, टड़िंग 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 टड़िंग, इससे क्या हो जाएगा, ये बैंड हो गया ना अंदर जाके फंस जाएगा, ठीक है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, ये भी देखो ये भी बोल रहा है, इसकी भी टांगे तोड़ दो, ये देखो टांगे तोड़ दी मैंने इसकी भी, अब ये थोड़ा सा अंदर जाके बैंड हो जाके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला भी फिक्स हो गया। तो मेरे ख्याल से, अरे क्यों कर रहा है, लगता है इनकी टांगे ढंग से गई नहीं अब जाके गया है। देखो दिख रहा है, देखो पहले यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा था लेकिन हमने इसके आउटपुट को होल्ड कर दिया, ये देखो ये कोडिंग का पहला मेथड, हमेशा पहले सेंसर को चेक कर लिया। अब देखो मैं क्लैप कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मान लो इस आउटपुट को मुझे और ज्यादा होल्ड करना है तो मैं डिले को बढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो देखो यहाँ पे डिले को मैं बढ़ा देता हूँ 5000 कर दूँ। अब देखो प्री दिस इज अ वॉइस मॉड्यूल, ओके, यू कैन बाय फ्रॉम एनी वेयर, ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगा आपको। चलो यहाँ देखो कोड अपलोड हो गया, अब देखो 5 सेकंड का डिले काम कर रहा है नहीं कर रहा। चलो देखो भाई ये क्लैप करेंगे, 1 2 3 4 5, अरे बंद हो जाओ, मैं थोड़ा फास्ट गिन गया, ठीक है, 5 सेकंड के लिए काम कर रहा है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, मेरा टेस्ट हो गया लेकिन मुझे तो अब रोबोट का कोड करना है। तो देखो रोबोट, देखो सेंसर सही है कनेक्शन, लेकिन रोबोट के लिए हमें 4 आउटपुट चाहिए ना, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे 4 आउटपुट, समझना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो 4 आउटपुट के लिए यह पिन मोड तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, कैप्स लॉक पिन मोड, अब आउटपुट लिखेंगे हम। अब आउटपुट किस पे दे रहे हैं, तो हमारा आउटपुट देखो पहले से एक 8 पे है, तो हम 9 पे ले 9 ले लेते हैं, मतलब टोटल 4 चाहिए, ध्यान रखना, ये समझा रहा हूँ बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, हर एक को आएगा, बस करना है ट्राई, करना है जंग जीत लेनी है, आर्डिनो सीख लेना है, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ आपकी क्लास के अंदर जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, बहुत कम जने जो इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आने वाला सब जगह, और वैसे भी सब जगह गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है रोबोटिक्स रोबोटिक्स क्लास के अंदर आने वाला, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 मैंने डिफाइन कर दिया है, मुझे 4 आउटपुट चाहिए, तो इसको आउटपुट डिफाइन करना, तो आउटपुट बोलेंगे हम इसको, तो कैपिटल में लिखना है। सो ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये वाई क्यों आ गया, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा लगा देता हूँ, और इसके बाद तो ऐसे सिमिलरली हम सारी चीज़ों को लिख लेंगे। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं इसको टाइम बोर्ड बदल देता हूँ। देखो यहाँ पे आप टाइप करना ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे इनपुट तो एक ही है, क्यों, हमारा सेंसर एक है, साउंड सेंसर हमारे कितने, 4, आउटपुट कितने, 4, तो 8 9 10, यहाँ 10 आएगा ना, 10 और ये वाला 11 होगा, ठीक है। तो ये हमारे सिग्नल जनरेट हो गए, 4 सिग्नल मिल गए। अब एक्चुअल में मैंने आपको एक चीज़ कहा था, जब ये क्लैप चले तो हमारा ये 5 सेकंड के लिए चल रहा था, तो अभी एक एलईडी जले, ऐसी 4 एलईडी भी तो चला सकते हो आप उसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 चारों के सिग्नल को दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी देखो ओके गड़बड़ होगी,
हम यहाँ से लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं चारों को सिग्नल दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मोटर चलाने का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी देखना, ठीक है, अभी मेरे पास 8 पे आउटपुट आ रहा है, मैं 9 डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना कैसे कर रहा हूँ कोड को, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। 8, 9, 10, ठीक है, ये देखो, ठीक है। देखो अनअकैडमी के साथ जो भी कॉस्ट आ रही है वो थोड़ी कम है, क्योंकि मैंने इस कोर्स को सीखने के लिए पे किए थे 30,000 रुपीज़, ठीक है। बस प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है इसके अंदर, मज़ा बड़ा आता है, पता ही नहीं लगता 5-5 घंटे कैसे निकल गए। मल्टीमीटर बनाओ, मल्टीमीटर के लिए तो फिर वो कोडिंग वाला बनाना पड़ेगा पूरा सिस्टम। मैं एक एसी वाले रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, मेरे को लगा, अच्छा, समझ गया, आप उसकी बात करो। साउंड सेंसर विदाउट आर्डिनो यूज़ कर सकते हैं सर? कर सकते हो, लेकिन फिर आपको इसके आगे कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, रोबोट के लिए नहीं हो पाएगा। रोबोट के लिए पता क्या होगा, इसके आगे 555 टाइमर लगा के कैपेसिटर में पावर को होल्ड करना पड़ेगा, फिर आप मोटर ड्राइवर में दोगे तो क्लैप करते ही रोबोट सिर्फ फॉरवर्ड चलेगा, हर बार क्लैप करते ही रोबोट फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। चलो ये मेरे आउटपुट्स हो गए, लेकिन मेरे देखो मेरी बात सुनो, जब क्लैप किया तो इन सब पे सिग्नल आ गया 5 सेकंड के लिए, ये सारी आउटपुट होगी। लेकिन हमें पता है हमारा रोबोट जब भी चलता है तो ऊपर की 2 पिन को हम लो हाई करते हैं, बीच की लो करते हैं, ठीक है। ये बीच में लो करो, बाकी को हाई कर दो, हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। ऊपर देखो हाई है, मतलब हमारी 2 सिग्नल आ रहे हैं, 2 मोटर ड्राइव में, बाकी 2 में नहीं आ रहे, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर सब पे हाई कर देते, हाई का मतलब उसको पावर दे देते, तो सब पे अगर हाई जाएगा तो मोटर चलेगी नहीं, सब पे पॉजिटिव चला गया। तो एक मोटर पे, जो एक मोटर देखो क्या होता है, एक मोटर इस पे कनेक्टेड है, तो इस पे एक ही मोटर कनेक्टेड है, तो एक पे हाई आ रहा है एक पे लो आ रहा है, तभी तो इसकी रोटेशन होगी, ठीक है। ऐसे दूसरी मोटर पे लो और हाई आ रहा तभी उसकी रोटेशन होगी। तो बस ये चीज़ इसके अंदर हमने डाल दी है 5 सेकंड के लिए। अब देखो लो करना है, अब देखो लो, एल्स का कंडीशन क्या होता है कि भाई 5 सेकंड चलने के बाद ये पूरा रोबोट अपने आप रुक जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही लिखा है, 8 होने पे थोड़ी रुक जाएगा, बाकी चीज़ों को भी लो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सबको लो कर देते हैं ताकि हमारा रोबोट रुक जाए। ये देखो, चलो सबसे सिंपल कोड है, अप्लाई करना है। देखो अभी हमने क्या कोड किया कि क्लैप करे तो हमारा रोबोट फॉरवर्ड चले कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। अरे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रोबोट भाग जाएगा इधर उधर, तो मैं इसे 2 सेकंड कर रहा हूँ, है ना, ताकि दिखेगा आपको, है ना, 2000 मिली सेकंड, 2 सेकंड। उसके बाद क्या होएगा, एल्स एल्स लगा दिया कि भैया रुक जा, कुछ भी नहीं चलना चाहिए, तो सबको लो कर दिया, सारे सिग्नल रुक गए हमारे, ठीक है। तो चलो ये हमारा रेडी हो गया, कोड अपलोड कर देते फटाफट से। चलो हमारा बॉट लेके आते हैं, ये रहा हमारा पूरा बॉट, और इसमें थोड़ा दूरी रख देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सिंपल कनेक्शन करेंगे अभी, ठीक है। सो अभी फर्स्ट हमारा क्या होगा, अरे सब जगह तार ही तार कर दी मैंने, अच्छा मैं बड़ा कर देता हूँ अब तो, है ना, ये थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा तो सही रहेगा, हमको छोटा कर देते हैं। चलो देखो अभी, ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट भी दिख रहा, देखने दो, ठीक है। सो अभी क्या करूँगा मैं, अब देखो मेरे जो सिग्नल आ रहे थे, याद है आपको किस में आ रहे थे, 8, 9, 10, 11 पे, ठीक है। तो ये जो भैया इसको हटाते हैं यार, इसको हम चिपकाना नहीं चाहता था मैं, चलो अब चिपका देता हूँ, क्या करें, ठीक है। ये साउंड सेंसर हमारा, अच्छा ये साउंड सेंसर के यहाँ पे देखो, ये सेंसिटिव पॉइंट दिया हुआ है, कितनी दूरी से सेंस कर ले, तो ये उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी सेट करना बताऊँगा मैं आपको, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका अभी, है ना। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, टेस्टिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड सेंसर वाला भी। चलो यहाँ पे पार्ट हमारा हो गया, अब यहाँ से देखो सिग्नल दे रहे हैं, सिंपल सिंपल सिग्नल, हमने जो बस कोड में लिखा है ना, 4 आउटपुट वो जोड़ दो भैया अभी उठा के, और एक पता जम्पर वायर भी ख़त्म हो गया, मुझे लगता लाने पड़ेंगे खरीदने को, कोई बात नहीं ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे 4 आउटपुट्स हो गए, ठीक है। 8, 9, 10 मैंने कोड में डिफाइन ये किए हुए थे, ये चारों सिग्नल हमारे 2 एक साइड डालेंगे, 2 एक साइड डालेंगे, ठीक है। तो नहीं, इसमें दूसरा वाला मोटर ड्राइवर ना, एक साथ ही डाल दो उसमें। ये देखो मैं सारे इनपुट्स में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन हो गया। लेकिन देखो एक चीज़ की प्रॉब्लम है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देना पड़ेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, पता आपको, कि मैं यहाँ पे 3 कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं यार, इसके लिए बैटरी केब चाहिए होगा यार, बड़ी दिक्कत आई है, बैटरी केब का जुगाड़ करना पड़ेगा। रुको यार, बैटरी केब लेना पड़ेगा एक्चुअल में, पता क्या होगा इस, ये मोटर ड्राइवर में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं तो इसको यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये रेड रेड वायर को, एक्चुअल में क्या है ना कि इसको अलग से पावर देना पड़ता है, आर्डिनो से पावर नहीं दे पाएंगे, तो इसको अलग बैटरी लगाने के लिए मैं यहाँ पर पावर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव, और ये तो बड़ा कमज़ोर हो गया,
ठीक है, ये मैं दो लगा रहा हूँ, हमेशा दो लगाता हूँ ना इसलिए। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ नो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के दे रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ के कनेक्शन करना, ये तो इधर उधर छाप देते हैं लोग। ठीक है, तो ये मैं देखो यहाँ पे 12 की जगह नो दे रहा हूँ, चल जाएगा हमारा रोबोट, कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़ा सा तो चलाना, लेकिन अब जब आप कॉम्पिटिशन है तो 12 वोल्ट लगा के जाना। अब देखो नेगेटिव की जगह नेगेटिव दे रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं इधर से 2 पिन की और दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या इसको 5 वोल्ट और नेगेटिव बोर्ड से भी देना होता है। ठीक है, तो मैं नेगेटिव के साथ ये पिन जोड़ रहा हूँ। देखो पहले नेगेटिव दे दिया मैंने इसे धक्का मार के कि भैया नेगेटिव जुड़ जा, लेकिन मैंने उसको टाइट नहीं किया, एक नेगेटिव और ले रहा हूँ। ये कॉमन वाली चीज़ समझना, जिसके पास भी L298 है, कॉमन करना पड़ता है नेगेटिव को। ठीक है, ये दो बैटरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं ना, एक उसको अलग से पावर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये देखो ये वाला पता 5 वोल्ट देना इसको, इसलिए मैं ये कांटा लगा रहा हूँ। ये पूरा सेट देखो, पूरा स्टेप वाइज बता रहा हूँ धीरे धीरे मैं आपको, ताकि हर एक चीज़ पता लगे। अब देखो मैंने किया क्या है समझना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस मोटर ड्राइव वाले केस को, कभी भी दो सोर्स यूज़ करो, क्योंकि मेरे को इधर भी पावर देना है, इधर भी पावर देना है, तो नेगेटिव कॉमन करना पड़ता है। तो मैंने एक सोर्स का नेगेटिव उसी में डाल दिया, इसका नेगेटिव मैं उधर डाल रहा हूँ, और 5 वोल्ट इसमें लिखा तो देने के लिए। तो देखो मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, अरे यार ये गड़बड़ होगी, क्योंकि ये तो वो वाला पिन है, ये जाएगा नहीं आर्डिनो में, तो मेल टू मेल जम्पर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमको निकालने पड़ेंगे नीचे से वायर। हाँ मिल गए, ठीक गड़बड़ हो गई थी, ऐसा होता है। सो यहाँ पे देखो दो वायर में उधार ले लेता हूँ इसी से, इस तरह से जोड़ देता हूँ, ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ता है रोबोटिक्स के अंदर, यही है। ठीक है, यहाँ पे GND वाला पार्ट देखो, ये मेरा 5 वोल्ट वाला बीच वाला GND है, तो मेरा पर्पल कलर का GND, और चलो दोनों ही कलर एक कलर एक जैसा हो गया, तो ये नेगेटिव डाल देंगे हम, तो हमारा नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड हो गया। 5 वोल्ट जो है पीछे वाले पार्ट में दे देता हूँ मैं। ठीक है, हमारा पूरा पार्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, पता नहीं हमारे मोटर्स में पावर है या नहीं, ये बैटरी कैप्स में पावर है या नहीं, हम फिर भी यूज़ कर लेते हैं इसको, ये बेचारा बहुत काँप रहा है, तो बहुत मुझे लगता है इसमें इतनी पावर है। अरे चल रहा है चल रहा है, अरे साउंड ले रहा है, अब कोई साउंड जनरेट नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये साउंड खुद का ही साउंड ले रहा था। ठीक है, तो अभी इसको रखते हैं, फिर क्लैपिंग करके देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा। अच्छा एक्चुअली पता अजीब बात क्या है, यहीं से पावर भी इसको मिल गया, 5 वोल्ट से भी मिल गया इसको, देखे चला के ओके अरे काम करा, देखो आधे में लुक गया है, तो फुल स्क्रीन करता हूँ, रुको रुको, अरे यार ये कोड वाला पार्ट जो दिखाना भी, अभी देखो अभी देखो है ना, अभी एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हर्डल था, ये हर्डल पे भी चढ़ गया था, इस पे चढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ रखता हूँ, देखना भी, अरे यार ये गिर रहा है इधर उधर, चलो मैं इसको पकड़ लूंगा। ठीक है देखो अभी, अरे चढ़ जा, अटक गया, मतलब डिले इसमें थोड़ा सा कम है, चलो डिले बढ़ाते हैं। अब कोड मैं अपलोड कर रहा हूँ, और पावर भी इसमें लगे रहने दूंगा, ताकि यहाँ से भी प्रॉपर पावर मिल जाए। आपको यहाँ से भी अलग से आर्डिनो को पावर देना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर चले, ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो यहाँ से मैं कोड के अंदर डिले बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत दे रहा था, 3000 कर देते हैं। चलो भैया तुम आगे चलो, अब इसको दौड़ा के रहेंगे, पकड़ेंगे इसको, देखने चढ़ता नहीं चढ़ता। सर एडमिन बोलो ड्राइवर ही मिलता है स्कूल में, अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं उसको सिखा दूँगा। देखो क्लैप कर रहा हूँ, चढ़ रहा है चढ़ रहा है, चढ़ गया, यस फाइनली चढ़ गया ये। ठीक है, तो ये इस पे चढ़ रहा है, अभी मैंने टाइम दिया, देखो ये अभी कंडीशन क्या काम करी, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है, अभी 3 सेकंड के लिए आगे चला गया, अब 3 सेकंड के लिए पीछे लाना है। तो देखो कोड में समझो यहाँ पे, ठीक है, कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको कोड को कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको अप्लाई करना बहुत 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 सही लगेगा आपको, खुद को लगेगा कि हाँ मैंने कोड किया, खुद किया। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया और कॉपी किया, इसके बाद देखो 3 सेकंड चलने के बाद हमको रोबोट को पीछे लेना है। देखो पीछे लेने के लिए बीच की हाई करेंगे, ऊपर की लो करेंगे, ध्यान से देखना, बीच की हाई करेंगे, ऊपर की लो करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर लो, इसको भी लो कर देते, पीछे लेना चाह रहा हूँ मैं रोबोट को, कि भाई पीछे भी तो आ तू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया, अब इसके अलावा यहाँ पे हाई कर देते हैं हम, अरे गया कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक का बहुत इशू है, इसमें ध्यान रखना, आदत हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने पहले यहाँ पे कंडीशन देखना, डिले देना है ना यार, डिले नहीं देंगे तो फिर ये नाचेगा ही नहीं, चलो नाच, डिले मेरा रोबोट तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी क्या होगा कि जैसे क्लैप किया मैंने, तो कोड यहाँ पे जो समझ में आ रहा है आपको, इससे 3 सेकंड के लिए फॉरवर्ड चलेगा, उसके बाद 3 सेकंड के लिए बैकवर्ड चलेगा। फॉरवर्ड में देखो ऊपर की हाई कर रखी थी, बैकवर्ड अब बैकवर्ड के अंदर बीच की हाई कर रखी, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इधर उधर जरा सफ़र करेगा अभी,
भागा दौड़ी करेगा तो उसको जगह देते हैं, भाई तुम चलो आराम से, पीछे भी आना अपनी पोजीशन में, इधर उधर भागना नहीं, ठीक है। तो हमारे रोबोट को हम कमांड देंगे कि भैया एक चक्कर काट लो गार्डन का, दोबारा आ जाना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्लैप करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा समझदार रोबोट है, अपनी पोजीशन पे दोबारा आ गया है। तो इस तरह से आप कोड में चेंजेस कर करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। आप उस पर डिपेंड करता है कि कैसे इसको चला रहे हैं, कैसे कंट्रोल। आप चाहो तो टर्न भी ले सकते हो, आप एक को हाई कर दोगे टर्न लेने लग जाएगा ये, मतलब आप ऐसा कर सकते हो स्क्वायर चक्कर काट के भी आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि नाश्ता से ऐसे नाश्ता 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 भी नाश्ते भी चले, मतलब ऐसे चलेगा सर, टिक 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 टिक, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप दिमाग लगाओ कैसे करना है, सिंपल सा लॉजिक है, एक स्टेप स्टेप सोचो, अप्लाई करो। 10 years of children make this project very good। चलो यही मेरा मकसद था कि छोटे से छोटे बच्चे इसको बना पाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर 10 years का बच्चा इसको बना लेता है, अगर 6 क्लास का बच्चा इसको बना लेता है, तो उसका मतलब उसको आर्डिनो थोड़ा बहुत आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, दोबारा देख लो। ठीक है, काम करा रहे मस्त। चलो मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो आप मुझसे, सबके रिप्लाई कर देता हूँ मैं फटाफट से। आप वीडियो को जितने जने देख रहे लाइक कर देना। L293 है ना आपके पास स्कूल में, L293 L298 एट की बात कर रहे हो ना, L298 है। अरे मेरा कैमरा कब का पॉज है, पॉज तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी। साउंड सेंसर विदाउट ऑडिनो कर सकते हैं, उसके लिए क्रैप मैं करूँगा आपका ट्राई, आपने बोला ना ये चीज़ भी मैं करूँगा। अभी किसी ने कुछ बोला था मुझे, क्या बोला था यार, तुम्हें को याद लिखने दो, इसको भूल जाऊँगा। हाँ व्हील चेयर, ठीक है। और साउंड कंट्रोल रोबोट विदाउट विदाउट माइक्रो कंट्रोलर भी बना सकते हैं। तो टाइम देखो, मैंने आर्डिनो इसलिए यूज़ कराया ताकि आप थोड़ा सा सीखना चालू कर दो, थोड़ा सा यूज़ करना चालू कर दो, ठीक है। तो अपने आप चीज़ें और आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय एवरीवन।